अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो ये देखेंगे, दोपहर में मैंने दिखाया था कि साग की कटिंग कर रहे हैं, तो ये हमने रख दिया है, दो बर्तनों में रख दिया है। थोड़ा सा कम होगा तो हम इसको इधर प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर देंगे, इस देगची वाले को भी, ताकि ये एक जगह पर हो जाएगा। और फिर इसी में हम लगाएंगे वेट। अब इसमें सब्ज़ मिर्चें और नमक ऐड होगा और कुछ भी नहीं। फिर अगर पानी की ज़रूरत है थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे और रख देंगे तकरीबन पौने घंटे के लिए। 45 मिनट का वेट लगा के हम इसे रखेंगे और फिर आगे आगे मैं आपको बताऊंगी कितनी देर होगी, कितनी देर में ये रेडी हो गया। फिर इसको वेट लगा के ओपन करेंगे, मैं साथ साथ आपसे शेयर करती हूँ। तो ये देखें जी, सब्ज़ मिर्चें इनकी डंडियाँ सारी उतारे हैं, इनको वाश करके। तो ये इसमें शामिल करेंगे ऐसे साबुत ही, कुछ लोग कटिंग करते हैं, कुछ ग्राइंड वगैरह करते हैं, हम साबुत इसमें डाल देंगे क्योंकि ये बाद में जो ग्राइंड करेंगे वो बिजली वाली मैदानी से करेंगे। तो ये बिल्कुल इनका कचूमर बन जाएगा, बिल्कुल ग्राइंड हो जाएंगी, ये नज़र भी नहीं आएंगी। दो घंटे के लिए गैस आई है तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी बन जाएगा, शाम के खाने में ये बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। आज हम रात के खाने में यही खाएंगे साग। तो ये देखेंगे सब्ज़ी मिर्च हम ऐड कर रहे हैं इसमें, साग में सारी इसी में कर देंगे क्योंकि देसी वाला साग भी इधर आ जाएगा ना, एक ही जगह पे जो बनेगा। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। तो ये देखेंगे इसमें चला गया 1 चम्मच नमक, ये थोड़ा सा ऊपर है, 1.25 चम्मच हो जाएगा। सब्ज़ी मिर्चें आधा किलो है या 1.5? आधा किलो सब्ज़ी मिर्चें लेंगे इसमें। ये इतनी तीखी नहीं होती, जो बिल्कुल बारीक और छोटी पतली स्किन वाली वो ज़्यादा तीखी होती है, ये नहीं होती तीखी। तो अब इसमें सुरख मिर्च नहीं ना हम तड़के में ऐड करेंगे, बस इसी मिर्च में ये तड़का वगैरह लगेगा लहसुन का। इसी तो दिखाती हूँ साथ साथ आपको कि हमारे घर में साग कैसे बनता है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप लोगों के घरों में कैसा बनता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आपकी रेसिपी अच्छी लगी तो वो भी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी अपने घर आपके तरीके से, हमारे तरीके से तो बिल्कुल ऐसे बनता है हमारे घर में। तो ये देखें जी, दोनों बर्तनों वाला साग एक बर्तन में हो गया प्रेशर कुकर में। अब ये थोड़ा सा कम होगा, फिर इसको लगा देंगे वेट। ये देखें इतना सा बस रह गया, अभी पानी है, थोड़ा सा पानी खुश्क होगा तो और नीचे हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी साथ साथ। तो ये देखेंगे आप इसको करने लगे हम कवर, आधे घंटे के बाद पानी इसमें काफ़ी कम हो गया, साग भी नीचे चला गया। अब हम इसका वेट लगाएंगे। तो ये देखिए जी, हमारा साग बनके रेडी हो गया। अब इसका घोटा लगाएंगे मदानी के साथ और इसमें थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा डालते जाएंगे, वो मैं दिखाती हूँ आपको साथ साथ। ये देखिए जी, सूखा आटा डाल दिया हमने, साथ लग रहा है घोटा इसे। मैं भूल गई थी, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ साथ साथ।
तो ये देखें जी लहसुन फ्राई किया, हरा धनिया डाला, हल्का सा नमक ऐड किया और ये देखें जी अब ये बन रहा है हल्की आँच से चुकी हुई और साथ साथ में बनाने लगी हूँ रोटियाँ। ये देखें क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया गैस जाने में, तो ये देखें जी साग के फाइनल लुक, बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार दीजिएगा। ये सब ने चेक कर लिया, सब ने रोटी के साथ खाया, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।